हाय गाइस, अभी हम लोग दिल्ली टू आगरा जा रहे हैं बाई कार टाटा टियागो ईवी से। अब देखो ट्रिप में रिसेट करता हूँ और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है और क्या क्या डिफिकल्टी हमें मिलती है, आप लोगों को बताएंगे। रास्ते में चार्जिंग क्या सुविधा है और सारी चीज़ें आपके सामने। मैं मीटर को रिसेट करता हूँ, ट्रिप ए एंड ट्रिप बी बोथ आर रिसेट एंड चलते हैं अपने ट्रिप पे। क्या कर, लाइट लगा के नहीं चलती गाड़ी, आँख में लाइट लगता है वो। वो पकड़ के रखी सही से इधर क्या पकड़, आगे चूटे बड़ा अभी देखी उन्होंने पड़ता, इधर आओ ना, इधर आ जा, नहीं पकड़ पाएगा तो बीच में बैठ नहीं तो। हाय गाइस, देखो हमने अभी एक फास्ट चार्जर बड़ी मुश्किल से मिला है, तो हमने गाड़ी को चार्ज पे लगाया है। अभी हम आगरा से लगभग 60 किलोमीटर पीछे हैं, यमुना एक्सप्रेसवे से आउटसाइड में 2 किलोमीटर अंदर एक चार्जिंग पॉइंट है जो वर्किंग कंडीशन था। इससे पहले 2 पेट्रोल पंप पे भी हमें मिले थे चार्जिंग स्टेशन, बट वो वर्किंग नहीं थे, तो हमें तो लगा कि लगता है हम कहीं अटक जाएंगे, बट सही है, एक चार्जिंग स्टेशन हमने सर्च किया ऑनलाइन तो ये मिला। यहाँ पे हमने गाड़ी फास्ट चार्जर लगाया है, अब गाड़ी 1 घंटे 15 मिनट फुल चार्ज हो जाएगी, फिर हम आगरा के लिए दोबारा निकलेंगे। ऐसे चाहते तो हम चले जाते क्योंकि हमारी गाड़ी में अभी 27% चार्ज था और लगभग 60 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, बट फिर भी हमने रिस्क नहीं लिया और सोचा चार्ज पर लगा ले उसके बाद ही आगे चले। और टोटल हमारी गाड़ी अभी चल चुकी थी 180 और अभी 56 किलोमीटर का रेंज दिखा रहा था, तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो गाइस की गाड़ी लगभग 230-240 तो अराउंड आराम से चल जाइए एक्सप्रेसवे पे। इस चार्जिंग स्टेशन का लिंक मैं लोकेशन दे दूंगा आप लोगों लिंक में कमेंट, और ये देखिए ये चार्जिंग स्टेशन, ये HP का है, HP ड्राइव के नाम से चार्जिंग स्टेशन, और हमारी गाड़ी चार्ज हो रही है यहाँ पर, 1 घंटा 15 मिनट लगेगा चार्ज होने में, ये देखिए आप लोग। और कभी आप आओ तो मैं आप लोगों को लोकेशन पिन कर दूंगा, आप लोकेशन से आप आ सकते हो चार्जिंग के लिए। ये यमुना एक्सप्रेसवे से लगभग 2 किलोमीटर अंदर है, ये आप लोग को मैं लिंक दे दूंगा, आप लोग चेक कर लेना, बाकी गाड़ी चार्ज जाती है फिर देखते हैं। ऐ मस्ती, क्या बात है भाई, डांस करो। हाँ कैसे बाहू करना, गाना गाओ, कौन सा गाना गा रहे थे, गाना गाओ बच्चों की मस्ती। चार्जिंग स्टेशन और मैं, हाँ तू तो सबसे बड़ा बंदर है। बहु गाना गाना गुना गाना सुना, तो गाना सुनाओ, उठ जाओ गाना सुनाओ। ये देखो ये यमुना एक्सप्रेस, सीधे जाओगे तो 2 किलोमीटर आगे यमुना एक्सप्रेसवे है और सीधे आके आपको लेफ्ट हैंड साइड में ये आएगा HP का पेट्रोल पंप है, यहीं पे EV का चार्जिंग स्लॉट है, हमारी उधर कार लगी हुई है चार्ज पे। कभी भी आप आओ इधर घूमने तो यहाँ आप विजिट कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको EV का चार्जर मिल जाएगा सही सलामत और चालू कंडीशन में। हाय गाइस, दक्षा ताजमहल देखने आया है और हम थोड़ी देर में ताजमहल पहुँचने वाले हैं। दक्षा देख सामने ताजमहल है, इसमें भी दिख नहीं रहा बट दिखेगा थोड़ी देर में। हाय गाइस, फाइनली हम ताजमहल पहुंच गए, गाड़ी को ही हमने एक बार चार्ज किया था और अभी हम आ चुके हैं, फिर भी हमारी गाड़ी में 70% बैटरी है, जाते समय आई थिंक एक बार चार्ज करना पड़ेगा। और बाकी चलिए ताजमहल आप लोगों को दिखाते हैं और बताते हैं जाते समय, आते समय का एक्सपीरियंस हमारा ये रहा कि पेट्रोल पंप पे जो चार्जिंग स्टेशन थे
तो वर्किंग नहीं थे। अब पता नहीं पेट्रोल पंप वालों ने बंद कर रखा था है, क्या है, बट हर पेट्रोल पंप पे चार्जिंग स्टेशन है ईवी का, बट वर्किंग नहीं है। आई थिंक मेरे हिसाब से, मैं जहाँ तक जानता हूँ कि पेट्रोल पंप वालों ने ही बंद करके रखा है ताकि उनकी पेट्रोल की बिक्री सही हो। और बाकी आप लोगों को कुछ पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताना कि क्या रीज़न है कि पेट्रोल पंप वालों ने चार्जिंग स्टेशन बंद कर रखे हैं। ऐसे एक पेट्रोल पंप था HP का, वहाँ पे हमें मिला था चार्जिंग स्टेशन और वहीं पे हमने गाड़ी चार्ज किया। उसका लोकेशन हम मैं कमेंट डिस्क्रिप्शन में लोकेशन डाल दूँगा। आप लोग कभी भी और डिस्क्रिप्शन से लोकेशन निकाल के अपनी गाड़ी को चार्ज कर सकते हैं। वहाँ पर वो 24x7 ऑन रहता है, मतलब ऑन रहता है हमेशा, वर्किंग कंडीशन में रहता है। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं आगे ताजमहल के पास। हम ताजमहल के अंदर एंट्री कर चुके हैं और अभी आप देख सकते हो गई जितनी भी, यह है टिकट घर। यहाँ 250 का टिकट है पर पर्सन का। अगर सिर्फ एंट्री करके ताजमहल बाहर से देखना है तो 45 का टिकट है आपका। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप अंदर जाना चाहते हो या ताजमहल को बाहर बाहर से घूम के आ जाना चाहते हो। अगर अंदर जाते हो तो 250 का टिकट लगेगा, बाहर से घूम के आते हो तो 45 में आप इजीली घूम के आ जाओगे। टिकट ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो आप एंड यहाँ ऑफलाइन भी आपको मिल जाएगा। हाय गाइस, देखो हम ताजमहल के पास पहुँच गए हैं और हम फिलहाल अभी ताजमहल अंदर से देखने जाएंगे, आप लोगों को दिखाते हैं। आज बहुत रश है क्योंकि आज संडे है, संडे वाले दिन ज़्यादा पब्लिक आती है ताजमहल देखने के लिए और इंडियन फॉरेनर सब लोग ही है इधर को। देखिए आप, क्या करो, गिर जाओगे, चोट लग जाएगा। हाय गाइस, हमारी गाड़ी में वापसी आ रहे थे, 41% बैटरी है बट हमने सोचा गाड़ी चार्ज कर लें, बट अभी बुरा फंसे हैं। देख सकते हो चार्जिंग स्टेशन पे खड़े हैं बट एक घंटे से लाइट गई हुई है इसलिए हमारी गाड़ी चार्ज नहीं हो रही है, हम लोग रुके हुए हैं। यार यही का बड़ा पंगा है चार्जिंग का, गवर्नमेंट को थोड़ा इस पर ध्यान देना चाहिए क्योंकि ऐसा नहीं कि हर पेट्रोल पंप पर यू चार्जर नहीं है बट चालू कंडीशन में कोई सी भी नहीं है। यार कैसे मतलब, गाइस बहुत लाइट आ गया और चार्जिंग स्टार्ट हो चुकी है। अपनी गाड़ी 74% चार्ज हुई है और ऐप में भी आप देख सकते हो 74% चार्ज हो गई है। चलिए देखते हैं कितनी देर फुल चार्ज होती है फिर निकलते हैं। यार बस चार्जिंग की इशू है, नहीं तो यार गाड़ी तो अच्छी है, मैं गाड़ी को बुरा नहीं कहूँगा बट चार्जिंग की फैसिलिटी थोड़ी अच्छी हो जाए ना तो सबसे बढ़िया गाड़ी है ये ट्रैवलिंग के लिए। बाकी आप लोगों को बताता हूँ आगे, ऐसे कोई ख़ास प्रॉब्लम तो नहीं हुई चार्जिंग के अलावा हमें, पर ठीक है गाइस। बताना आप लोग भी क्या फेस करते हो अगर कभी आते हो तो, आप लोगों को चार्जिंग स्टेशन कहाँ कहाँ मिला, कहाँ नहीं मिला। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा चार्जिंग स्टेशन का। ये चार्जिंग स्टेशन 24x7 खुला रहता है, ये भारत पेट्रोलियम का है। यहाँ पर डीजल, पेट्रोल, CNG एंड इलेक्ट्रिक ऑल फ्यूल टाइप अवेलेबल है। ठीक है गाइस, चलो मिलते हैं।